ये बहुत क्यूट है, ये खा के बताते हैं कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम किचन स्टूडियो। आज मैं आपको लेके जाऊंगी एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में और आपको दूंगी फुल रिव्यू। आई टी बफे की बुकिंग हम करा चुके और हम पहुंच चुके हैं मोनाल रेस्टोरेंट और ये इसका आपको व्यू दिखा रही हूँ। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाट का सेक्शन है, हर तरह की चटनियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी, चना चाट के साथ दही बड़े हैं और इसके अलावा पापड़ी है, ये इमली और बुखारा की चटनी है, दही पुदीना की चटनी है और साथ में है पानी पूरी पूरे लवाजमात के साथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लाइव भी तैयार होती हुई नज़र आएंगी, जैसे ये वाइट सॉस पास्ता है और यहाँ पे हैं चिकन सैंडविच, हर तरह का सैलड आपको मिलेगा, पास्ता सैलड, फ्रूट सैलड और वेजिटेबल सैलड, फुल वैरायटी है। आपको मैं फुल डिटेल के साथ सबके रिव्यूज सुनाऊंगी, एक एक डिश का रिव्यू देंगे ताकि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जाएं तो आपको मुश्किल ना लगे कि कहाँ पे हमने जाना है और कहाँ नहीं जाना। सूप के शौकीन यहाँ पे सूप से भी लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। और ये बारबेक्यू सेक्शन देखें, आप देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि कितने मज़े के ये लग रहे हैं और मैं तो सबसे पहले ये ट्राई करूँगी। अगर आपको फुल रिव्यू चाहिए तो फिर आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और एंड तक पूरी देखनी है। आपको मेरी हर कुलीग बताएंगी कि यहाँ पे किसको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं था, तो देखते रहिए हमारे साथ साथ चलें और इंजॉय करें मोनाल रेस्टोरेंट का ये हाइटी बुफे। ये हैं चिकन गोला कबाब, ये फ्राइड फिश है, फ्राइड राइस है, साथ में चाहिए इसका फुल एक सेक्शन है। और जी ये मेरा फेवरेट काबली पुलाव, साथ में चिकन कढ़ाई ही है और ये मैं ट्राई करके आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इसमें नान है, बर्गर है और ये स्वीट्स का, स्वीट्स की तरफ देखें तो इसमें गुलाब जामुन है और ब्राउनीज और साथ में चॉकलेट सॉस थी। और ये फुल एक सेक्शन स्वीट्स का, रंग बिरंग की आपको पेस्ट्रीज मिलेंगी, मीठे के शौकीन यहाँ से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ पे रसमलाई बहुत अच्छी लगी और गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे थे, बाकी पेस्ट्रीज वगैरह तो अच्छी होती हैं। बाकी लोगों ने ट्राई की हैं तो उनका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी। मीठे के शौकीन खुश हो जाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है मीठे की। इसके अलावा आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स वो तो आपको टेबल पे ही सर्व किए जाएंगे। और ये रसमलाई बहुत ही मज़े की थी। ये चाय का सेक्शन है, ग्रीन टी पीनी हो तो ग्रीन टी पी लें, कॉफ़ी पी सकते हैं या फिर आप नॉर्मल चाय। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले चावल और बारबेक्यू से और फिर मैं आपको बताऊँगी बारी बारी ये सबको कैसा लगा खाना और आपको व्यू भी दिखाऊंगी यहाँ से, साथ में लाइव म्यूज़िक भी है। बड़ा ही हमने एंजॉय किया और ये ज़बरदस्त किस्म का आप देखें बारबेक्यू, ज़बरदस्त। और जो चटनी थी वो मैंने खुद मिक्स करके एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनाया था, आप भी ट्राई कीजिएगा। दही पुदीना की चटनी के अंदर आपने शामिल करना है इमली और
आलू बुखारे की चटनी को। तो इस तरह से आपकी एक ज़बरदस्त चटनी बनेगी जो बारबेक्यू के साथ आपको बड़ा मज़ा देगी। और ये व्यू है लिबर्टी चौक का, यहाँ बैठ के आप खाएं पिएं और अपनी पसंद का लाइव म्यूजिक एंजॉय करें। बस ठीक था, इतना कुछ खास नहीं जितनी हाइप है। बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन खाना बस कुछ नॉर्मल ठीक था। रेसिपी क्वालिटी और डिशेस भी बहुत कम थी, है ना, मज़ा नहीं आया। कैसा लगा खाना आपको? मुझे इनका मुझे वैरायटी नहीं नजर आई। मुझे भी समझ नहीं आया, अभी शुरू हुआ था और अभी ख़त्म भी हो गया। आइसक्रीम वाकई मैडम डिशें बहुत कम थी, मज़ा ही नहीं आया, वीडियो खत्म हो गया। और डिशें देख के ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। मैंने तो अपना रिव्यू रिकॉर्ड भी करवा मैंने भी चीज़ें सुन लिया था वहाँ चलते चलते, अच्छी ब्राउनी बहुत खराब आके तो मैडम बोलते अपना मैंने अपना बड़ा यूनिक किया या हमें बोलते ये आइसक्रीम नहीं मजे का, ये बहुत क्यूट है, ये खा के बताते हैं कैसा। मैं ना अम्मी की चीज़ें मैं अच्छी पहचान लेती हूँ, मुझे चीज़ों की समझ आती है। थर्टी पे इनका सेकंड स्लॉट का टाइम स्टार्ट होता है और हमारा टाइम अब कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एक बजे आए थे तो अब हम बैठ के थोड़ी देर गपशप करेंगे और फिर उसके बाद अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, यहाँ पे आपको पान और टर्किश आइसक्रीम भी मिलेगी। ज़रूर जाएँ और इंजॉय करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।